प्रवाहित होगी आप सब। जय गणेश इंदौर। जय श्री राम। कैसे भैया? तो आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो भैया अभी हम आ गए दशहरे मैदान पर, जहाँ पर 9 दिवसीय श्री राम जन्मोत्सव मेला लगा हुआ है। श्री राम जन्मोत्सव मेला महायज्ञ मेला लगा हुआ है। तो और भैया अगर घर से निकल रहे तो भैया तारीख का पहले ध्यान रखना, तारीख देख के निकलना भैया, क्योंकि मेला जो है भैया कि आप पता चले 10 दिन बाद 15 दिन बाद देख रहे हो और भैया आप आगे कमेंट करोगे कि भैया मेला तो हमको लगा हुआ ही नहीं मिला। तो भैया तारीख का खासकर ध्यान रख के निकलना है घर से। भैया 9 अप्रैल से चालू है, क्योंकि 17 अप्रैल तक 9 दिवसीय मेला लगा हुआ है, 9 दिन तक मेला चलने वाला है। और भैया आप यहाँ पर देखेंगे पीछे की साइड में, तो यहाँ पर हवन वगैरह भी चलते रहते हैं पीछे साइड में देखेंगे उधर तो, और हवन वगैरह चलते वहाँ पर। और इधर साइड में देखेंगे तो भैया भव्य राम मंदिर बना हुआ श्री राम भगवान जी का, जहाँ पर हमको श्री राम भगवान जी यहाँ पर पूरे परिवार के साथ में दर्शन देने वाले, राम लक्ष्मण सीता जी, और साथ ही हमको श्री राम भक्त भगवान बजरंग बली भी दर्शन देने वाले। इधर की साइड में देखेंगे तो यहाँ पर बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले वगैरह है, उधर की साइड में फूड स्टॉल लगा हुआ है। और इधर की साइड में देखेंगे तो भैया यहाँ पर जो नॉर्मली हमको सभी मेले में कपड़े वगैरह जूते चप्पल ये जो भी कटलरी आइटम वगैरह दुकानें दिखती है, उस प्रकार की हमको दुकानें वगैरह लगी हुई देखने को मिलेगी। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पूरा माहौल यहाँ का क्या कुछ माहौल होने वाला है। हवन में आपको बैठना है तो भैया 2100 रुपये शुल्क है हवन में बैठने का, जिसमें आपको पूजन सामग्री वगैरह कुछ भी घर से लेके नहीं आना है, सब अभी पूजन वगैरह की सामग्री सब हमको यहीं पर मिल जाती है। सिर्फ हमको घर से यहाँ पर हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से हमको यहाँ पर तैयार होकर आना है जोड़े को, और यहाँ पर हवन में बैठना है। तो ये 9 दिन तक हवन वगैरह चलने वाला है। तो वैसे मेले में अंदर का व्यू काफ़ी खूबसूरत व्यू देखने को मिल रहा है। बच्चों के मनोरंजन के लिए भी यहाँ पर झूले वगैरह काफ़ी सारे छोटे वोटे लगे हुए, जिसमें बच्चे आप यहाँ पर आके आराम से इन्जॉय कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया व्यू है अंदर का, खूबसूरत सा राम मंदिर देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो बस गाड़ी वगैरह हमने पार्किंग कर दिया, फटाफट से अंदर एंटर होते हैं और देखते हैं यहाँ का माहौल क्या कुछ माहौल होने वाला। काफ़ी बढ़िया यहाँ पर मेला लगा हुआ है अवध लोक दशहरा मैदान इंदौर 2024 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक चलने वाला श्री राम जन्मोत्सव महायज्ञ एवं मेला यंत्र प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री राम की भव्य आरती से तो भैया इंदौर में मेला लगा और भैया खाने पीने की चीज़ें न मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। तो भैया यहाँ पर फूड स्टॉल भी काफ़ी बढ़िया बढ़िया देखने को मिल जाते हैं, टेस्ट भी करके देखा हमने, काफ़ी बढ़िया टेस्टी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती है खाने पीने के लिए, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाती है। भैया छोले भटूरे देख सकते हैं काफ़ी गजब के देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, टेस्ट भी वैसे ही काफ़ी बढ़िया है जैसे देखने को मिल रहा है। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है अंदर का। बच्चों के मनोरंजन के लिए भी यहाँ पर झूले काफ़ी सारे हैं, छोटे भी हैं बड़े भी हैं। और ये खूबसूरत सा राम मंदिर, चलिए मंदिर में अंदर चलते हैं और राम लक्ष्मण सीता जी के दर्शन करते हैं, साथ ही श्री राम भक्त भगवान बजरंग बली हनुमान जी के भी दर्शन हमको यहाँ पर होने वाले हैं आगे। चलिए अंदर चलते हैं मंदिर में, और अभी आरती वगैरह चालू हुई है क्योंकि अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो चलिए अभी आरती में भी शामिल होते हैं, आपको भी शामिल करते हैं और श्री राम भगवान जी के दर्शन करते हैं, राम लक्ष्मण सीता जी साथ ही श्री राम भक्त भगवान बजरंग बली भी दर्शन दे रहे हैं यहाँ पर। जय श्री राम। Thank you.
तो वैसे जो पांडाल बना हुआ देख रहे हैं, ये यहाँ पर हवन होते हैं पूरे 9 दिन तक, 9 तारीख से 17 अप्रैल तक यहाँ पर पूरे 9 दिन तक हवन होते रहते हैं। ये छोटे छोटे हवन कुंडा बने हुए देख सकते हैं यहाँ पर। और अगर आपको भी हवन करने के लिए बैठना है भैया, आहुति देना है यहाँ पर, तो 2100 रुपये शुल्क है यहाँ का, जिसमें सारी चीज़ें पूजा पाठ की जो भी सामग्री आती है वो सारी चीज़ें आपको यहीं पर मिल जाएगी। आपको घर से सिर्फ तैयार होकर आना है और यहाँ पर हवन पे बैठना है। उसके लिए आपको 1 दिन पहले यहाँ पर बुकिंग करवाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर दशहरे मैदान पर आकर गेट के पास में आपको काउंटर मिल जाएगा, वहाँ पर आपको पहले बुकिंग करवा सकते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि मंच के समक्ष अपना आसन ग्रहण करें और आज के आनंद को अंतर मन तक अनुभव करें। भगवान श्री राम की चरणों में अपनी भक्ति अर्पित करें आज की भजन संध्या के माध्यम से। आप सभी से एक बार पुनः अनुरोध है इस कार्यक्रम को। तो गाइस ये था दशहरा मैदान का महायज्ञ एवं मेला, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, दोस्तों का शेयर करना, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और भी आपका एक और क्वेश्चन होगा कि भाई यहाँ पर टिकट क्या है या फिर एंट्री फीस क्या लगती है, तो यहाँ पर ना ही टिकट है ना ही एंट्री फीस लगती है, बिल्कुल फ्री एंट्री है यहाँ पर आपको महायज्ञ एवं मेले में। तो गाइस अभी तक अभी नहीं आया तो एक बार जरूर आना आप भी। और यहाँ पर पार्किंग वगैरह चार्जेस जरूर आपको देना पड़ सकता है भैया, 20 रुपये आपको 2-व्हीलर का और 50 रुपये या फिर 40 रुपये आपको 4-व्हीलर का चार्जेस मिल सकता है। तो ये कुछ मेले का व्यू है यहाँ का। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। जय श्री राम।